नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा को कहा शक्ति स्वरूपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार और संदेश खाली पीड़िता में से एक रेखा पात्रा को फोन किया और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार की तैयारियों की जानकारी ली, लोगों के बीच बीजेपी के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर उनसे बातचीत की। रेखा पात्रा ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं की परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूप कहा। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। ये संदेश खाली पीड़िताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा से फोन पर बातचीत कर जानकारी ली। पीएम मोदी ने इनसे लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार की तैयारियों को लेकर पूछा। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उनसे जानना चाहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम लोगों के बीच क्या राय है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर बातचीत की गई। बता दें, पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार को लेकर की गई तैयारी की जानकारी दी है। गढ़वा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम, स्थापित किया गया शिवलिंग। झारखंड के गढ़वा जिले के रमना प्रखंड मुख्यालय स्थित भगत सिंह चौक के समीप शिव मंदिर में पिछले 20 वर्षों से स्थापित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होकर ग्रामीण आरोपित को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। घटना की सूचना पाकर पुलिस अंचल निरीक्षक रतन कुमार सिंह, थाना प्रभारी अफसाक आलम ने दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौके की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को आरोपित को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इधर गाजे बाजे के साथ विधि विधान से मंदिर में फिर से शिवलिंग की स्थापना की गई। झारखंड में गर्मी 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। धूप छांव बादल और बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों का मौसम खुशनुमा था, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है, गर्मी चढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। बता दें, अगले 5 से 6 दिन की मौसम की बात करें तो 29 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इसी दिन नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर पश्चिमी हिमालय में देखा जाएगा। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। इसके एक दिन बाद यानी 30 मार्च 2024 को झारखंड के दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 31 मार्च को भी झारखंड के दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। फिर 1 अप्रैल से झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है। होली के दिन सिमडेगा में जंगली सुअर का आतंक, एक की मौत। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र के पिथरा गांव में जंगली सुअर ने सुबह सुबह ग्रामीणों पर हमला कर दिया। गांव वाले होली की तैयारी में जुटे थे कि गांव में जंगली सुअर के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सुअर के हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बता दें, मंगलवार को सुबह में ग्रामीण अपने कामों में व्यस्त थे, इसी बीच जंगली सुअर ने ग्रामीणों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सुअर के हमले से गांव में अफरा तफरी मच गई है, सभी लोग इधर उधर भागने लगे। जंगली सुअर के आतंक के कारण लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। घटना के बाद घायलों को सदर अस्पताल में लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रिम्स से फरार अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स अस्पताल से फरार अपराधी को पुलिस ने हत्या की योजना बनाते पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी को जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर से गिरफ्तार किया गया। रिम्स से फरार हुए राजा सिंह उर्फ राजू उर्फ पगला नामक अपराधी को RIT पुलिस ने पिस्तौल व गोली के साथ गिरफ्तार किया है। वह अपने साथी प्रकाश गोप के साथ किसी की हत्या करने की योजना बना रहा था। जानकारी के अनुसार सरायकेला खरसावा के SP को गुप्त सूचना मिली थी कि रिम्स अस्पताल से फरार अपराधी राजा सिंह उर्फ राजू जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के RIT थाना क्षेत्र के मार्ग संख्या 11 के आसपास भ्रमण कर रहा है। पलामू में 4 किलो गांजा के साथ 26 लाख का टैबलेट बरामद। झारखंड के पलामू जिले के लेसलीगंज थाना क्षेत्र के कोट खास से पुलिस ने 4 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ 26 लाख का टैबलेट बरामद किया है। मौके से पति पत्नी को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोपी पति विष्णु सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके खिलाफ लेसलीगंज थाने में 2-2 मामले दर्ज हैं।
पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। पलामू के एसपी ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी पति पत्नी द्वारा अपने घर में गांजा, नशीला टैबलेट और सिरप धड़ेल से बेच रहे हैं। विष्णु सिंह व फुलेश्वरी देवी पति पत्नी हैं। एसपी के निर्देश पर लेस्लीगंज एसडीपीओ के द्वारा टीम गठित कर छापेमारी की गई। हेमंत सोरेन की पत्नी ने होली पर किया भावुक पोस्ट, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। होली के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर भावुक बातें भी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि रंगों के त्यौहार होली और बाहा पर्वों की आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और जोहार। शादी के बाद आज पहली बार मैं हेमंत जी के बिना होली के पर्व में अपने ससुराल नेमरा स्थित घर पर हूँ। कल्पना सोरेन ने आगे लिखा कि तानाशाही शक्तियों ने झूठे केस मुकदमों में फंसा आज हेमंत जी को भले ही राज्यवासियों मुझसे परिवार और बच्चों से दूर कर रखा है, पर तानाशाही शक्तियाँ ये दमन ज़्यादा दिन कर नहीं पाएगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं होली उसी दिन मनाऊंगी जब हेमंत जी वापस हमारे बीच होंगे। रंगों के त्यौहार होली और बाहा पर्वों की आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और जोहार। गोड्डा में होली खेलने के बाद नहाने गए दो युवक की तालाब में डूबने से मौत। रेशम नगरी के नाम से मशहूर भगैया गांव में होली खेलने के बाद स्नान करने गए दो युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। घटना मंगलवार की दोपहर बाद की है। देर शाम ग्रामीणों के प्रयास से युवकों के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मृतकों में 20 वर्षीय दीपांकर कुमार और 22 वर्षीय रोशन कुमार हैं। दोनों भगैया गांव के ही रहने वाले थे। दोनों गहरे दोस्त थे। उक्त घटना के बाद गांव में होली की खुशियां गम में तब्दील हो गई। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दीपांकर और रोशन होली खेलने के बाद गाँव के दुर्गा मंदिर के निकट तालाब में स्नान करने गए थे। पहले एक दोस्त गहरे पानी में फंसा तो दूसरे उसे बचाने गया, लेकिन दोनों ही गहरे पानी में फंस गए और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। साहेबगंज में कर्ज की पैसा मांगने पर चला दी गोली 30 वर्षीय शख्स की हत्या। राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट मलाही टोला निवासी 30 वर्षीय पांडव मंडल की हत्या उसके ही मित्र सुबेश मंडल ने कर्ज के रूप में दी गई राशि वापस मांगने पर गोली मारकर कर दी। पुलिस ने सुबेश मंडल को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, पिस्टल का मैगजीन, 3 गोली, सफ़ेद मारुति सेलेरियो कार बरामद की गई। यह जानकारी राजमहल के एसडीपीओ बिमलेश कुमार त्रिपाठी ने दी है। उन्होंने बताया है कि सोमवार शाम 5:30 बजे सूचना मिली कि मलाही टोला निवासी दाताराम मंडल के छोटे बेटे पांडव मंडल की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सांसद पीएन सिंह से मिलने पहुंचे ढुलू महतो, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। धनबाद लोकसभा से भाजपा का टिकट मिलने के बाद बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने वर्तमान सांसद पशुपतिनाथ सिंह के आवास पर जाकर आशीर्वाद लिया। पशुपतिनाथ सिंह ने जीत का आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। बता दें महतो इस दौरान पशुपतिनाथ सिंह के घर के लोगों से भी मिलकर आशीर्वाद लिया। यहां पर भाजपा की वरिष्ठ नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीति चर्चा हुई। बताया गया कि इस बार केंद्र में भाजपा की 400 पार वाली बहुमत की सरकार बनने जा रही है। रांची डीआईजी ने अंतर्राज्यीय बॉर्डर का किया निरीक्षण। लोकसभा चुनाव को देखते हुए रांची डीआईजी अनूप बिरथरे ने मंगलवार को अंतर्राज्यीय बॉर्डर मुर्री, पुरुलिया, श्यामनगर और सोनाहातू बॉर्डर का अचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने बॉर्डर पर मौजूद पदाधिकारी और पुलिस बल को 24 घंटे सीमा से आने जाने वाले हर वाहन को जाँच करने का निर्देश दिया है। साथ ही मादक पदार्थ, शराब, नगद रुपए सहित अन्य चुनाव को प्रभावित करने वाले वस्तु पर विशेष नजर रखते हुए चुनाव से संबंधित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली रणवीर सिंह भी उपस्थित थे। नवोदय विद्यालय में 1358 पदों पर निकली भर्ती। नवोदय विद्यालय में नौकरी करने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में इच्छुक और उचित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें महिला स्टाफ नर्स के 121 पद, सहायक अनुभाग अधिकारी के 5 पद, ऑडिट असिस्टेंट के 12 पद, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के 4 पद, कानूनी सहायक के 1 पद, स्टेनोग्राफर के 23 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद, कैटरिंग सुपरवाइजर के 78 पद, जूनियर सचिवालय सहायक के 381 पद, लैब असिस्टेंट के 161 पद,
इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के 128 पद और मेस हेल्पर के 442 पद निकाले गए हैं। CUET UG 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ी। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि CUET UG के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय सीमा मंगलवार रात 11 बजे तक थी। उन्होंने कहा, अभ्यर्थियों और अन्य हितधारकों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर CUET UG 2024 के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की समय सीमा 31 मार्च 2024 को रात 9:50 तक बढ़ा दी गई। परीक्षा 15 से 31 मई तक आयोजित होने वाली है। बता दें, देश भर के केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 2022 में मानकीकृत परीक्षा शुरू की गई थी। परंपरा से अलग हटते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET UG 2024 के लिए एक हाइब्रिड परीक्षा प्रारूप की रूपरेखा तैयार की है। नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस 28 मार्च को। वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर का शहादत दिवस 28 मार्च को है। इसके आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड के गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के पचौर सचिवालय परिसर में नीलांबर पीताम्बर के शहादत दिवस को लेकर खरवार आदिवासी एकता संघ की प्रखंड कमेटी एवं पंचायत कमेटी ने बैठक आयोजित की है। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कृष्णकांत सिंह व संचालन खरवार लोक सेवक संघ प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह ने की है। इन्होंने बताया कि इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और वीर शहीद को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साहेबगंज होली पार्टी मर्डर केस का खुलासा। झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट मलाही टोला निवासी पांडव मंडल की हत्या का राजमहल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले को लेकर SDPO कार्यालय में SDPO बिमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर मंगलवार की जानकारी दी है। पुलिस ने हथियार व हत्या में प्रयुक्त आल्टो कार के साथ हत्या के आरोपी सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि होली पार्टी के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर उत्पन्न विवाद में दोस्त ने ही उसे गोली मार दी थी। SDPO बिमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि पांडव मंडल की हत्या मामले में थाना कांड संख्या 43/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए सघन छापेमारी कर 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन किया गया। TMH में डॉक्टर के कमरे में लगी आग। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के सबसे प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में होली के दिन आग लग गई है। आग लगने की वजह से अस्पताल में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बता दें, शाम 6 बजे TMH के वार्ड 8A से सटे डॉक्टर के चैम्बर में ही आग लग गई। घटना जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में हुई है। बताया गया है कि मंगलवार की शाम को करीब 6 बजे TMH के वार्ड 8A से सटे एक डॉक्टर के कमरे में आग लग गई। दमकल कर्मी तुरंत वहां पहुंचे और आग पर थोड़ी ही देर में नियंत्रण पा लिया गया है। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर रहने वाले भी पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट। रांची लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बैठक की। इसमें लोकसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को अब्सेंटी वोटर्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। बता दें कि बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारी को अब्सेंटी वोटर में शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के दिन ड्यूटी पर रहने वाले भी इस बार वोट दे सकेंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में चली गोली, PSC जवान घायल। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें PSC जवान घायल हो गया है। उसके सीने में गोली लगी है। पुलिस अधिकारियों ने इसे हादसा बताया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे IG अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि दुर्घटनावश चली गोली जवान के सीने से पार हो गई है। उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि गोली खुद जवान के असहले से चली या किसी अन्य सहकर्मी के असहले से। इसकी जांच की जा रही है। जवान के साथ मौके पर तैनात अन्य जवानों से पूछताछ की जा रही है। बिहार के टीचर की छुट्टी पर बवाल। बिहार के शिक्षा विभाग में होली की छुट्टी नहीं। शिक्षा विभाग के ACS के पाठक ने दिया आदेश है कि 26 मार्च और 27 मार्च को भी शिक्षा विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। जानकारी के अनुसार ACS के पाठक ने छुट्टी को लेकर सोशल मीडिया पर लिखने वाले शिक्षक पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।
इसके अलावा 25 से 30 मार्च तक होली के बीच प्रशिक्षण संस्थानों में चयनित शिक्षकों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। इसी बीच लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आज होली है लेकिन शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझ लिया गया है, इन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि निरंकुश शासक और प्रशासक समाज के हित में नहीं है, ऐसे लोगों को इसका खमियाजाना भुगतना पड़ेगा। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने 1 से 5वीं कक्षा तक के करीब 20,000 शिक्षकों के लिए स्पेशल प्रशिक्षण का आयोजन किया है। CAA पर अमेरिका आयोग ने जताई चिंता। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिका आयोग ने नागरिकता अधिनियम को लागू करने के लिए भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी को भी धर्म या विश्वास के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विवादास्पद नागरिकता अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के नियमों को इस महीने की शुरुआत में अधिसूचित किया गया था, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बिहार के चीनी मिल में बड़ा हादसा। बिहार के बेतिया में होली के दिन बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल बेतिया के नरकटियागंज स्थित स्वदेशी चीनी मिल में यह हादसा हुआ है, जहां चीनी मिल में काम कर रहे मजदूरों पर लोहे का बड़ा सा चादरा यानी लोहे का प्लेट गिर गया। इस हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। लोहे का विशाल प्लेट गिरने से मौके पर ही एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य के घायल होने की सूचना है। घायलों को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेतिया भेजा गया। मृतक की पहचान 55 वर्षीय सिसवा फॉल के रहने वाले वीरेंद्र तिवारी के रूप में हुई है। धन्यवाद।